बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल बिटकॉइन के एनालिसिस के साथ हाजिर है। मैंने बिटकॉइन का वीकली चार्ट लिया है। अच्छा दोस्तों, पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि बिटकॉइन है या क्रूड है। इसका मैं शॉर्ट वीडियो तो बनाता रहता हूं, लेकिन आज मैंने थोड़ा सा प्रॉपर वीडियो इसलिए बनाया है कि लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी है इसमें, क्योंकि काफ़ी कंट्रीज में लीगलाइज हो रहा है। स्पेशली M2 के हवाले से मैंने न्यूज़ शेयर की थी, UAE ने इसको जो है रिकग्नाइज किया है। और इनफैक्ट अगर आप देखें तो UAE में एक्सचेंज भी बन रहे हैं, जिस तरह मनी एक्सचेंज होता है इस तरह क्रिप्टो एक्सचेंज भी वहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा US गवर्नमेंट ने भी जो है वो कहा है कि जो बिटकॉइन की जो क्रिप्टो की स्पेशली या बिटकॉइन की स्पेशली होल्डिंग जो है कंपनीज हैं उनको ETF में कन्वर्ट किया जाएगा, एक्सचेंजेबल ट्रेड फंड में। तो इससे लग रहा है कि आने वाले दिनों में दूसरे मुल्कों में भी ये लीगलाइज हो जाएगा। तो इसको देखते हुए मैंने सोचा कि आज एक और छोटी सी शॉर्ट तो नहीं, थोड़ा सा आपको मैं ब्रीफली बता दूं, इसके एनालिसिस आपको करके बता दूं। तो चलिए आइए हम इसका एनालिसिस करते हैं शॉर्ट वीडियो। अगर आप जो मुझे मेरे पुराने फॉलोअर हैं जो सब्सक्राइब किया हुआ जिन्होंने, उनको नोटिफिकेशन मिलती रही, उन्होंने शॉर्ट वीडियो देखी होगी। तो मैंने यहाँ से आपको बता दूं, यहाँ से बताया था जब ये 68,000 करके नीचे आ रहा था, तो ये लेवल जो है मैंने बताया था कि ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है और इसको ब्रीज भी किया इसने। यहाँ पे मैं ये ग्रीन लाइन देता हूँ, 17,782 डॉलर का जो ये था, और इसको ब्रीज करके इसने यहाँ पर ये लो किया। ये इसका लो था अराउंड अबाउट 15,600 डॉलर। ये वीकली का मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद से है ना, मैं आपसे अपवर्ड मूवमेंट देखी है और अभी तक देखा जाए तो ये एरिया जो है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया देखने में आ रहा है, क्योंकि यहाँ से एक ये बड़ी विक बनी थी, रिजेक्शन देखी थी, इवनिंग स्टार डोजी के साथ इसकी कंफर्मेशन हुई थी और इसके साथ जो है आपने फिर यहाँ पे नोज डाउन देखा इसको आते हुए नीचे बिटकॉइन को। तो अभी फिलहाल देखें तो ये यहाँ पर काफी रेजिस्ट कर रहा है इस एरिया में, ठीक है। ये एरिया से एक तरह से देखें तो उसको उसने कंप्लीट किया है, क्योंकि ना यहाँ से जब देखा, जब ये नीचे आया था 48,294 से, तो जब ये ब्रेक किया इसने एरिया 44,000 वाला, तो इसके बाद इसको रीटेस्ट नहीं किया 44,000 वाला एरिया जो है, और ये कंटिन्यूसली बिटकॉइन नीचे आता गया। तो अभी अगर हम देखें तो इसने ब्रेक किया था ये 4 अप्रैल 2022 को, और इसके बाद जो फिर इसने रिटेस्ट किया है 4 दिसंबर 2023, तकरीबन ये 2 साल का या पौने 2 साल का अरसा बनता है। तो ये यहाँ पे काफी एक्यूमुलेट करता रहा, यहाँ पर एक काफी हमने इस रेजिस्टेंस भी देखा यहाँ पे, यहाँ ये वाला एरिया जो 31,000 के अराउंड, 31,900 ये वाला एरिया, और फिर इसका ब्रेकआउट भी हमें मिला। ब्रेकआउट के बाद जो फिर ये एरिया रिटेस्ट हुआ 44। इस वक्त जो है अभी करंट सिनेरियो में वैसे तो देखा जाए, इसने हाई जो किया था ये क्या था, तकरीबन 68,000 का, या अगर हम देखें तो 68,700 का ये इसका अब तक का हाई है। और यहाँ पे बड़ी रिजेक्शन भी देखी हमने, यहाँ पे भी रिजेक्शन देखी थी, इसके बाद यहाँ रिजेक्शन देखी। तो ये एरिया 66, 65, 68 ये रिजेक्शन एरिया है, ठीक है। यहाँ पे रिजेक्शन हुई है और उसके बाद जो फिर वापस हमने इसको डाउन साइड देखा ये वाले एरिया में। तो इस वक्त अगर अभी देखा जाए तो अगर हम इसको पिविटल पॉइंट कह लें 31,900 या 32,000 का ये वाला एरिया ले लें अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, ठीक है ना। इस एरिया को देखें 32,500 ये वाला, 32,500 ये एरिया जो है एक वक्त हमारा पिविटल पॉइंट है। इसको मैं अगर ये देख लूँ तो ये पिविटल पॉइंट एक तरह से हमारे पास आ गया हाथ में, ये पिविटल पॉइंट हो गया। ठीक है, इसको हम अपना ये पिविटल पॉइंट देख कंसीडर कर सकते हैं कि ये हमारा पिविटल पॉइंट है इस वक्त। 32,400 से लेके 32,000 ये सब जो है एरिया जो है ये मैंने इसलिए प्राइस एक्शन के हिसाब से ले लिया इसको, ठीक है। क्योंकि यहां पर भी अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करें इस लाइन को तो ये अच्छा खासा सपोर्ट एरिया से, ये एरिया जो है 31,500 32,500 ये एरिया जो है
ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। बल्कि मैं अगर मैं आपको ये कर दूं, इसकी नेकलाइन सपोर्ट भी आ जाएगी इधर, ये एरिया और ये एरिया, ये समझ लें, ये एरिया जो है ठीक है, ये हमारा पिविटल पॉइंट है। 34,153 से लेके 30,060 डॉलर तक जो है ये एक पिविटल पॉइंट है। और इसको अगर हम ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री कह लें तो गलत नहीं होगा। यहां पर भी मैं अगर आपको यहां पे ये लिख दूं, ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री ये ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ठीक है, ये ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री आ गई है ठीक है। और इस वक्त जो है अगर हम ये तो हमने आपको मैंने ये लो बता दिया था ठीक है, ये तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। यहां पर भी इसको मैं लिख देता हूँ, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ठीक है, ये इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अच्छा, अब हम जिस तरह हमने ये लिया था प्राइस एक्शन के हिसाब से, थोड़ा हम ये क्या ट्रेंड लाइन भी बनाएंगे। इनिशियल हम लेंगे कि इसका ये सपोर्ट कहाँ से हमको मिल सकता है, तो हम ये एरिया लेंगे ठीक है, इसको हम इसकी भी यहाँ से ले लेंगे ठीक है ना। ये हाई जो था 25,256 का, और ये हाई जो था 31,159, इसको हम कनेक्ट करके ये देखें, यहाँ से ये काफी इसने नीचे वीक बनाया है, लेकिन यहाँ से फिर ये सपोर्ट लिया एरिया जो है हमको यहाँ से मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर इस वक्त देखें करंटली, तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखें तो इसके ऊपर सस्टेन करना भी बहुत जरूरी है। ये वाला एरिया जो है नीचे वीक बन सकती है, लेकिन मैं आपको आने वाले दिनों में बोलूँ ये वाला एरिया जो है ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है। 37,900 या इसको आप 38,000 का लेवल कह सकते हैं, यहाँ पे ये रिटेस्ट कर सकता है। और वही यहाँ पे कोई नीचे विक भी बन सकती है, 36,000 भी आ सकता है, 37,000, 38,000, 36,000, ये वाले इसका नेक लाइन देखें ये, या इवन यहाँ पर भी इसने विक बनाई थी, विक भी बन सकती है 36,000 के अराउंड। मतलब ये समझ लें बिटवीन 38,000 टू 36,000 ये एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। ये हमारे पास ट्रेंड लाइन सपोर्ट आ गई है इसकी, तो थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। ये हमारे पास इसकी ट्रेंड लाइन सपोर्ट आ गई है, तो आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है। वैसे ये तो अभी काफी नजदीक है कि ये रिटेस्ट हो सकता है। और एक और हम ट्रेंड लाइन लेंगे यहां से, जब से इसने यहां से शुरू किया था अपवर्ड मूवमेंट दिखाना, तो अगर हम यहां पे लें इसको, यहां पे कई दफा ये रिटेस्ट किया है ठीक है, ये एरिया, तो ये एरिया भी रिटेस्ट हो सकता है। यहां से भी मैं आपको ये इसकी सेकंड, इसको मैं लिख देता हूँ फर्स्ट ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ठीक है, ये हमारे पास आ गया फर्स्ट ट्रेंड लाइन सपोर्ट है ये ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट ट्रेंड लाइन सपोर्ट आ गई है, और इसी को हम क्लोन करके नीचे सेकंड ट्रेंड लाइन सपोर्ट ले लेंगे, इसको क्लोन कर देंगे ठीक है। ये हमारे पास आ गई सेकंड ट्रेंड लाइन सपोर्ट, यहां से मैं एक मिनट इसको मैं पहले ट्रेंड लाइन सपोर्ट ले लूं यहां से, ये वाला हिस्सा हम ले लेते हैं, ये वाला प्राइस सेक्शन के हिसाब से ठीक है। ये बन रहा है 28,655 का एरिया, यहां से मैं इसको प्राइस सेक्शन के हिसाब से ले रहा हूँ, ट्रेंड लाइन भी आ जाएगी और हमारे पास ये ट्रेंड लाइन सब यहां से ये प्राइस सेक्शन के हिसाब से हो जाएगा 28,656। ये हमारे पास सेकंड, इसको हम सेकंड कर देंगे, ठीक है ये सेकंड। अच्छा, अब दूसरी चीज आपने इसमें नोटिस की होगी कि यहाँ पे ये राइजिंग वेज बनता हुआ नजर आ रहा है, इसको ब्रेक तो किया है वैसे एक तरह से, यहाँ पर भी ये राइजिंग वेज बना था, इसको ब्रेक किया था,
वो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर मैं आपको कभी बता दूंगा इसके बारे में। तो यहाँ पे भी एक राइजिंग वेज बनता हुआ नजर आया था और ये फिर इसने अपने डाउनसाइड मूवमेंट दिखाया बिटकॉइन ने, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, लेकिन इसकी इंडिकेशन अभी हुई नहीं है, कंफर्मेशन भी नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ से अभी ये साइडवेज हो गया और कंसोलिडेशन फेज में। अगर इसको ब्रेक करता है तो इसकी कंसोलिडेशन जो है एक्यूमुलेशन में चेंज हो जाएगी और ये यहाँ से अपसाइड मूवमेंट दिखा सकता है। टिल कहाँ तक, इसके लिए हम फिबोनाची की जो है प्लॉट करेंगे और इसके हेल्प से जो है हम निकालेंगे। देखिए ये हमारा सबसे अभी अभी फिलहाल जो रिजेक्शन वाले एरिया था, जो ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री उसका अपर बैंड लेंगे हम 48,300 के अराउंड जो है, 48,294 वो लेंगे, और इसका जो अब तक का लो था 15,600-700 के तकरीबन ये हम लेंगे। ठीक है, तो देखिए आने वाले दिनों में ये जैसे 0.5 है, ठीक है ना, ये 31,000-32,000 के इंडिकेशन कर रहा है, तो ये भी हम रिटेस्ट यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं फिबोनाची के हिसाब से। ये फिबो वाला आ गया एरिया हमारे पास, ठीक है, इसको हम जो है रेड या ग्रीन ही ग्रीन रेड कर देते हैं। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं फिबो, यहाँ लिख देंगे फिबो, लेकिन पिवोटल पॉइंट हमने दे दिया तो ये हम ये फिबो भी लिख देते हैं, कोई वो नहीं है, हम यहाँ पे इसको फिबो 0.5 कर देते हैं, ताकि हमको पता है हमने कौन कौन से एरियाज लिए हुए हैं और किसकी हेल्प से लिए हुए। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं इसको फिबो, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं, 16 पे कर देते हैं, और ये फिबो का रेशियो है, क्योंकि ये 0.5 बड़ा क्रूशियल रेशियो होता है, यही डिसाइड करता है कि यहाँ से स्टॉक है या कोई भी करेंसी है, ऑयल है, यहाँ से इंडेक्स है, यहाँ से अपसाइड जाएगा या डाउन साइड आएगा। ठीक है, ये फिबो 0.5, एक मिनट, 0.5, ये फिबो हो गया 0.5। ठीक है, तो बल्कि अगर हम इसको हटा दें, पिवोटल पॉइंट को भी हटा दें, ये फिबो ही रख लें और इसको जो है ताकि कंफ्यूजन ना हो ज्यादा, ठीक है, इसको हम अभी रिमूव कर देते हैं। हमने मैंने बता दिया आपको ये पिवोटल पॉइंट, आपको एरिया जो आप देख लेंगे, ठीक है, ये हमारे पास आ गया फिबो का रेशियो 0.5, 32,000 के अराउंड है, 32,053 डॉलर के अराउंड है, तो ये जो है हमारे पास फिबो का रेशियो आ गया, फर्स्ट ट्रेंड लाइन, सेकंड ट्रेंड लाइन, और इसके बाद ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। तो ये चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, तो अनलेस और अनटिल जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है 48,300 एटलीस्ट, ठीक है, तो हम इसमें फिर अभी मजीद अपसाइड नहीं देख सकते। अगर होता है तो फिर वही आगे जाके जो है मैंने आपको लेवल बता दिए हैं, वापिस ये दोबारा रिटेस्ट हो सकता है 69,000-68,000 का एरिया, और फिर ये 1 लाख का एरिया यहाँ पर भी ये रिटेस्ट हो सकता है, अगला टारगेट जो है ये हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट टारगेट ये होगा, ठीक है, ये पहला टारगेट होगा वही जो उसका हाई था अब तक का, ठीक है, और फिर दूसरा टारगेट 1,01,000 या 1 लाख, ये समझ लें ये दूसरा टारगेट होगा, इसको भी मैं क्लोन कर लेता हूं, फिर सेकंड टारगेट ये होगा, इसको भी मैं रेड कलर दे देता हूं। तो ये आपके सामने सारे टारगेट्स आ गए हैं, तो आने वाले दिनों में, अभी तो मुझे जैसे ये फॉलिंग वेज बन रहा है, और अगर ये इसको भी ब्रीच करता है ये वाला लेवल 37,900 या 38,000, तो फिर ये नेक्स्ट जो है ये आपको 32,000 मिलेगा, और इसके बाद जो है ये एरिया मिलेगा। और अगर इसके अगर ऑन द फ्लिप साइड अगर देखें इसका ब्रेकआउट मिलता है तो फिर बीच में एक ही हर्डल आएगा, ये वाला इसकी जो नेक लाइन रेजिस्टेंस है ये आपको मिल सकती है 57,500 के अराउंड, फिर इसके बाद 69,000 टारगेट होगा पहला, और दूसरा टारगेट जो होगा 1,01,000 डॉलर के अराउंड होगा। ये मैं 1 लाख काफी अरसे से बोल रहा हूँ कि इसके बाद जो है 69,000 के बाद वो 1 लाख का, वो इसी वजह से ही मैंने आपको करके ही बता दिया यहाँ पे ये प्लॉट करके फिबोनाची, उसके थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ कि नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो 1,01,000 डॉलर, या राउंड फिगर में आपको 1 लाख समझ लें, 1 लाख डॉलर
जो है ये जा सकता है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।